बैंकिंग नियमों में सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लोकसभा में बैंकिंग लॉ बिल 2024 पेश किया है। इस बिल में बैंक खाते में एक उत्तराधिकारी की संख्या को बढ़ाकर 4 कर दिया जाएगा, यानी अब खाता धारक अपने अकाउंट में 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। विपक्ष ने सहकारी बैंकों के संबंधी प्रावधानों को लेकर इस विधेयक का विरोध किया। बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज बैंकिंग कानून विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जिसके तहत वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विधिनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है। आइटम नंबर 10, श्रीमती निर्मला सीतारमण। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंक कारी विधिनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंक कारी कंपनी उपक्रम का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970, बैंक कारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए।